हमारे साथ तीन मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, चितरंजन गगन हैं जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आलोक वत्स हैं जो नेता हैं बीजेपी के, और फजल इमाम मलिक हैं जो नेता जेडीयू हैं। फजल इमाम साहब, पहले तो हम आपके पास आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू से कितने दूर और कितने पास आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, जेडीयू में न दूर है और पूरी तरह पास है। जेडीयू में कहीं दूर नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ किया कि पार्टी और संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, और जाहिर है कि इसीलिए वो जदयू से दूर नहीं है, जदयू के बहुत पास है। क्योंकि एक लंबा सरोकार माननीय नीतीश कुमार जी से के साथ भी, और समता पार्टी से लेकर जदयू के अब तक के सफर में, ठीक है कि बीच में हम तमाम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में गए, लेकिन इसके बावजूद जब जब संकट आया है नीतीश कुमार जी पे, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले व्यक्ति हैं जो उनके सामने ढाल। फजल इमाम साहब, फजल इमाम साहब, मेरा एक सवाल था कि वो नेता जेडीयू को और नीतीश कुमार को मजबूत करने और उनके कमजोर होने की बात कह रहा है, जिसकी अपनी राजनीतिक स्थिति शून्य है, क्योंकि जब उनको आरजेडी में, जेडीयू में शामिल किया गया था, तब उनकी कोई जमीन बची नहीं थी, और अब वो सार्वजनिक तौर से लगातार बयान दे रहे हैं, तो मतलब यह है कि शायद उनका मन भर गया है यहां से। नहीं, एक चीज शारिक साहब, ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कि राजनीतिक जमीन बची नहीं थी। 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने गठबंधन किया था, एक तीसरा मोर्चा बनाया था, और 120 सीटों पर करीब हम लोगों को, लेकिन आप शून्य पे थे सर, शून्य पे थे। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, शून्य पे जरूर थे, लेकिन बहुतों को हमने शून्य पे ला के खड़ा तो कर दिया था, और शायद इसी ताकत को माननीय नीतीश कुमार ने पहचाना। मगध रेंज, शाहबाद रेंज से एनडीए का सफाया हो गया था, और हम लोगों ने 45,000 से लेके 1,00,000 तक वोट लाए थे, सीट हमें नहीं मिली थी। ठीक है, आपकी बात समझ गए। आलोक वत्स है हमारे साथ। आलोक वत्स साहब, कुशवाहा साहब का ये जो सफर या जो बयानों का सफर शुरू हुआ है, कहीं आपकी पार्टी में जाकर खत्म तो नहीं होगा? क्योंकि 2004 से 2019 के बीच में आपके यहाँ वो राज्य मंत्री थे, केंद्र में राज्य मंत्री भी थे, तीन तीन लोकसभा की सीटें भी ली और जीत भी गए तीनों। देखिए, अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि इनको लेना है या नहीं लेना है। लेकिन बिहार की राजनीति में ये जितने भी छत्रप नेता हैं, ये लोग एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं जी। आप इन लोगों का इतिहास उठा के देखिए, पता नहीं कौन से वाद में विश्वास रखते हैं, ये तुरंत ताला बदल देते हैं, और ये बहुत दिन तक एक जगह टिक के रहने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे कुछ नेता आपके यूपी में भी हैं जी, बिहार में भी है, और बिहार इस पे इसके जवाब दे लेते हैं। चितरंजन गगन साहब, मेरा सवाल यही आपसे था कि विपक्षी एकता की बात सुनिए ना। वत्स साहब, थोड़ा समय कम है, छोटा छोटा रखते हैं। गगन साहब, मेरा सवाल आपसे यही था। नीतीश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो, उसके बाद सब लोग बैठेंगे, लेकिन जब आपकी ही पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो एक महागठबंधन या एक ऐसा गठबंधन जो बीजेपी को 2024 में टक्कर दे, उसको लेकर क्या कहा जाए? नहीं, देखिए, बिहार में जो महागठबंधन बना है 7 दिन का, इसमें कहीं से कोई न कहीं ढंग के कोई कंफ्यूजन है, न कहीं अंतर विरोध है। पूरी बुलंदी के साथ एकजुट होकर जिस मिशन के लिए बना है महागठबंधन, उस मिशन में लगा हुआ है। और बिहार के बाद जो बिहार से जो कि नई रोशनी मिली है पूरे देश की राजनीति को, इसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला है जी। अभी कांग्रेस का चल रहा है, इनका राहुल जी का पदयात्रा चल रहा है, इसके बाद पार्लियामेंट का सेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, इसके बाद जो है सो बजट सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसमें लगेंगे, और निश्चित रूप से बिहार में जो हुआ है इसकी आपको दिखाई पड़ेगा इसका प्रभाव पूरे देश में। फजल इमाम साहब, क्या आत्मसम्मान की अगर हम बात करें, तो नीतीश कुमार ने तो पिछले कई दिनों में कई बार कहा कि वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उन पे कोई बयानवान देगा नहीं, उनको जहां जाना है जाएं और ऐसा करें जल्दी चले जाएं। इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से दूर जाने के लिए?
शारिक भाई इसका जवाब भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने दिया कि अपनी हिस्सेदारी छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए लव और कुश की जो बिहार में संस्कृति है या जो गठबंधन है ये लव और कुश के और दोनों भाई हैं, तो अपनी हिस्सेदारी तो मान नहीं रहे आपको सर है? वो तो भाई को कह रहे हैं चले जाओ। नहीं वो मान वो देखिए वो बड़े भाई हैं, वो माने न माने लेकिन छोटे भाई का हक तो उन्हें देना होगा। अच्छा आलोक वत्सी आपके पास वापस लौटते हैं, जब से जेडीयू आपसे दूर गई, गठबंधन आपका टूटा, अब 2024 में जहां 40 सीटें बिहार में आती हैं, ऐसे में आपके लिए चुनौतियां ज्यादा होंगी, इसलिए शायद आप उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ लेने में कोई कोताही या फिर कोई देरी करेंगे नहीं कि एक अलग से कुछ एक गठबंधन बनाया जाए जो इस महागठबंधन को टक्कर दे पाए। देखिए तारिक जी, हर दल चाहता है कि उसकी समृद्धि हो, उसमें वृद्धि हो, तो अगर हमारे यहाँ से थे ही, फिर ये चले गए, फिर ये वापिस आएंगे तो इनका स्वागत है और स्वाभाविक है कि इनके आने से हमारा बल बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और हमें महागठबंधन को टक्कर देने के लिए जो भी इस तरीके की कवायद होती है उसमें अगर इस तरीके के लोग जो कुछ मायने रखते हैं कुछ वोट बैंक में, तो उनका स्वागत है। और हमारे यहाँ तो इतनी हार्ड डिसिप्लिन है कि इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। दाएं बाएं जिस तरीके का नरगल बयान वगैरह देके ये अभी तक जेडीयू में टिके हुए हैं, ये सब हमारे यहाँ एक घंटे भी टॉयलेट नहीं होगा। जी वत्स साहब, या तो रहो तो डिसिप्लिन में रहो या तो फिर जाओ। या जाओ चितरंजन जी, आपके पास आते हैं, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। जो कुछ घटनाक्रम है अगर देखें तो तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि एक तरीके से हमला बोला है उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पे, आपको क्या नजर आता है उनका भविष्य जेडीयू में या फिर जो आपका जो गठबंधन है उसमें? बड़ा थोड़ा ऑनेस्ट आंसर दीजिए। देखिए जेडीयू का आंतरिक मामला है, उसमें हम क्या माने बोल सकते हैं, लेकिन जो बातें उनके द्वारा कही जा रही है बड़ा अजीब सवाल है। राजनीति में हिस्सेदारी क्या होता है? राजनीति में तो हिस्सेदारी जनता तय करती है, जिसकी जन स्वीकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।